जब भी आपको लगे कि आपके सिर पे बहुत बहुत मुसीबत है, जब भी आपको लगे कि आप हर तरह से गिर चुके हैं, जब भी आपको लगे कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तब एक चीज आप अपने दिमाग में लाएंगे कि यही मोमेंट है जहां से आपकी तकदीर बदलने वाली है। सुनो सबकी, करो मन की। दिस इज एप्लीकेबिलिटी ऑफ योर माइंड, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस आपसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता, आपके पेरेंट्स भी नहीं, आपका सबसे क्लोज टीचर भी नहीं। भारत वर्ष का सपना चंद्रगुप्त ने देखा, चाणक्य ने देखा, और उस भारत वर्ष को बनाने के लिए जब ये संघर्ष जारी था, और तब नंद के राजा धनानंद की डॉटर दूरदराज से चंद्रगुप्त को प्यार हो जाता है, और जब चाणक्य उनको बोलते कि नहीं तुम्हें उससे दूर रहना है, तब चंद्रगुप्त बोलता है, आचार्य कभी कभी सोचता हो कि जिंदगी में या ये भारत के सम्राट बनने के लिए इतना त्याग, इतना बलिदान ना देना होता तो। और तब चाणक्य रिप्लाई करते हैं, तो हर कोई भारत का सम्राट होता, क्योंकि डायमंड जो होता है वो जितना ज्यादा घिसता है उतनी ज्यादा उसकी वैल्यू होती है, सोना जो होता है वो जितना ज्यादा तपता है उतनी उसकी वैल्यू होती है। अगर आप जिंदगी में तप रहे हैं, अगर आप जिंदगी में घिस रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप हर तरह से मुसीबतों में गिरे हुए हैं, तभी आपकी जो वैल्यू है वो बढ़ने वाली है। बस जो क्वालिटीज आपको चाहिए एज एन ऑफिसर, एज एन आईएएस, एज एन आईपीएस, क्या क्वालिटीज चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फिडेंस, कि जब आप उस सीट पे बैठते हैं, आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आएगा, यू विल बी एबल टू हैंडल द इश्यू। ये कॉन्फिडेंस लेके आपको उस सीट पे बैठना है, यही कॉन्फिडेंस चाहिए व्हेन यू स्टार्ट द प्रिपरेशन। और इस सारी जर्नी में अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज है तो दैट इज योर लर्निंग एटीट्यूड, और नॉट फॉर यूपीएससी, फॉर लाइफ इवन। क्योंकि चाणक्य ने कहा है कि दूसरों के एक्सपीरियंस से जो सीखते हैं ना वो जल्दी आगे आ जाता है, क्योंकि खुद सब कुछ अनुभव करके सीखने के लिए जिंदगी काफी छोटी है। आई डिड द सेम, 4 साल में हर एक टॉपर का इंटरव्यू देख लिया, चीजें समझ ली कि ऐसी कौन सी चीजें जो इन सब ने की है, और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो गलतियां हैं जो इन्होंने की और जो मुझे रिपीट नहीं करनी। सो जब युद्ध के मैदान में हम उतरते हैं, इस चक्रव्यूह में उतरते हैं, तो अभिमन्यु की तरह नहीं, अर्जुन की प्रिपरेशन के साथ उतरना है, कि हमें पता होना चाहिए कि इससे बाहर कैसे निकले। इसलिए ओम शांति ओम का एक डायलॉग जो मुझे सबसे ज्यादा फेवरेट है, अगर किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। अगर कन्विक्शन स्ट्रांग होगा क्यों बनना है, यू विल बी एबल टू स्टे इन दिस गेम। लेकिन अगर पैसों के लिए जाना है, मटीरियलिस्टिक गोल्स लेके जाना है, बिलीव मी, यूपीएससी चेक्स अवर प्रेजेंटेशन बट गॉड चेक्स अवर इंटेंशन। सो अगर कोई चीज हो रही है, आई हैव ओनली वन थिंग टू डू, चेक्स द मेरिट्स, चेक द डीमेरिट्स, प्रपोज द सॉल्यूशन। If there is a demonetization, what will be the advantage? What will be the disadvantage? What could have been done and what should be done? That's all. क्योंकि आज तक दुनिया ये मानती थी कि एक भी शब्द बिना बोले हम अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तब हमारे साथ थे चार्ली चैपलिन, जिन्होंने एक भी शब्द बिना बोले सारी दुनिया को एंटरटेन किया। आज भी दुनिया जब ये मानती है कि सिर्फ औरतें अच्छा खाना बना सकती है, हमारे सामने संजीव कपूर, जिन्होंने पूरी दुनिया को भारत का स्वाद चखाया। आज भी अगर दुनिया ये मानती है कि अकेले इंसान से कुछ नहीं हो सकता, हमारे सामने महात्मा गांधी जो अकेले चले थे और पूरा देश उनके पीछे चला था। आज भी दुनिया अगर ये मानती है कि धनवान बनने के लिए धनवानगढ़ में पैदा होना जरूरी है, हमारे सामने धीरूभाई अंबानी, जिन्होंने पूरी दुनिया को एक सपना दिखाया, कर लो दुनिया मुट्ठी में, और आज रिलायंस इंडस्ट्री वर्ल्ड की और इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। आज भी दुनिया अगर ये मानती है कि हम कम एज, ज्यादा एज में कुछ नहीं कर सकते, हमारे सामने अमिताभ बच्चन, जो आज भी 1 साल में 3 ब्लॉकबस्टर मूवीज देते हैं। अगर आप ये मानते कि सिविल सर्विस में आने के लिए आपका बैकग्राउंड होना जरूरी है, आपके सामने शाहरुख खान विदाउट एनी बैकग्राउंड आज भी बॉलीवुड का बादशाह है। अगर आज तक दुनिया ये मानती थी कि हम सिर्फ धरती पर के लिए बने हैं, हमारे सामने नील आर्मस्ट्रांग जो चंद्र पे जाके आए, आज तक हम ये जानते हैं कि हम क्या हैं।